हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मलेशिया के पेट रेगुलर टी20 सीरीज की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर कतर वर्सेस बहरीन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन सा प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, साथ ही में यहाँ से मिल जाएंगे आपको BPL T20 के वीडियोस, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एमिरेट्स D20 के वीडियोस मिलेंगे, और कल से यहाँ पर त्रिपुरा वुमेंस T20 शुरू हो रहा है, तो उसके मैचेस के भी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 11:30 पर बायोमास ओवल कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, देखो शॉर्ट बाउंड्रीज रहती है मलेशिया में, खासतौर पर यहाँ पर रन्स अच्छे खासे बनते हैं, 150+ रन्स बनने चाहिए। इवन कभी कभी ऐसे टीम कोलैप्स वगैरह करवा जाए तो यहाँ पर 100, 120, 110 में भी निपट जाती है। 10 में से 5 बार ऐसे चेंजिंग करने वाली टीम ने जीती है, तो आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर चेंजिंग करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी टीम कतर की। तो कतर ने अभी तक 5 मैच खेले, जहाँ से 2 मैच वो जीते हैं, 2 मैच हारे, 1 मैच उनका अबैंडनड रहा, और वो भी लास्ट वाला, यानी कि कल का मैच उनका अबैंडनड हो गया था। तो वहाँ पर क्या था ना, वहाँ पर इनका जो बैटिंग है, बैटिंग यहाँ से 3 प्लेयरों ने किया, नहीं बॉलिंग यहाँ से किया था, यहाँ पर 3 या 4 गेंदबाजों ने बॉलिंग किया था, बाकी का बात करो तो ऐसे कामरान खान और ईमान लियानागे दोनों ओपनिंग करवा रहे। मेरे को लियानागे को हमें विकेट कीपिंग सेक्शन से लेके जाना है, भाई काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है। इवन यहाँ पर पहले बैटिंग आती है तो आप इनके ऊपर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क ले सकते हो, काफ़ी तगड़ा मानता है। 60 रन किए थे पहले मैच के अंदर, और आप अपने आखिरी मैच के अंदर 58 किए थे, इसके पहले यहाँ पर 2 मैच के अंदर इतना कुछ खास किया नहीं था, लेकिन इस मैच के अंदर एक बार फिर से इनसे उम्मीद रहेंगी। कामरान खान वैसे प्लेयर अच्छे, लेकिन यहाँ पर इतना कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, फिर भी हमने शायद यहाँ पर एज अ प्लेयर हमें इनको लेके जाना पड़ सकता है। मोहम्मद रिजलन की बात करो, रिजलन ने लास्ट मैच के अंदर 56 रन की एक अच्छी पारी खेली थी उनकी लास्ट मैच के अंदर, लेकिन इसके पहले 3 मैच के अंदर इतना कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जैसे पहले बैटिंग अगर कतार करवाती है तो इन तीनों को आप लोग लेके जा सकते हो। वटिल की बात करो तो बैटिंग से थोड़े से ऊपर आते हैं, यहाँ पर 4th नंबर पर बैटिंग के लिए आए थे जहाँ पर, लेकिन वहाँ पर किए थे उन्होंने 2 रन। इसके पहले लास्ट मैच जो अबैंडनड हुए वहाँ पर उन्होंने 4 गेंदें डाली थी जहाँ पर 1 विकेट निकाला था। इसके पहले भी आप देख सकते हो यहाँ पर 1 विकेट निकाला हो, यहाँ पर 1 विकेट निकाला हो, यहाँ पर 53 रन किए हुए, तो आई थिंक यहाँ से इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, या तो बैटिंग से या बॉलिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है। असद बोरहा मुख्य ओके रहेंगे, इनको थोड़ा सा रिस्की के लिए तभी ट्राई करेगा, लेकिन ऐसे मोहम्मद तनवीर डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर चाहिए, 88 रन किए, या से 40 रन किए, 15 रन किए थे, तो यहाँ से ज़्यादातर जनता की चॉइस यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की यहाँ पर मोहम्मद तनवीर रहने वाले, और हम लोग भी शायद इन्हीं के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी ओवर्स करवाएगा, 4 ओवर्स पूरी करवाएगा। आप देख सकते हो लास्ट मैच जो अबैंडनड हुआ वहाँ पर उन्होंने ओवर्स नहीं की थी, लेकिन इसके पहले यहाँ पर 4 ओवर्स पूरी की थी, लगभग हर एक मैच का पूरी ओवर्स ही करवा रहा है, तो एज अ प्लेयर ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की सीधी पिक रहने वाला है। आकाश बाबू ओके रहेंगे, इनको बहुत ज़्यादा रिस्की के लो तभी ट्राई करिएगा। मोहम्मद इकरामुल्ला की बात करते हैं, ये भी यहाँ से पूरी ओवर्स करवा लेता है। विकेट्स की बात करो तो इस टूर्नामेंट के अंदर इनको 3 बार विकेट मिली हुई है, लास्ट मैच जो अबैंडनड हुआ वहाँ पर भी उन्होंने 2 ओवर्स की गेंदबाजी की थी जहाँ पर विकेट ले रहे थे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी ऐसे डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी के लिए आ सकता है, और वहाँ पर आपको अच्छे खासे ऐसे विकेट्स वगैरह चटका के दे सकता है, इवन यहाँ से शुरुआत में भी आ सकता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ऐसे इकरामुल्ला को, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। धर्मन पटेल ओके ओके रहेंगे, बाकी ऐसे गयान बुद्धिका और मोहम्मद नदीम, इन दोनों में से किसी एक को, या फिर यहाँ से देखो मेरा यहाँ से मानना है कि हम लोग यहाँ से मोहम्मद नदीम के साथ जाएंगे, बाकी आप लोग यहाँ से बुद्धिका को ट्राई करना चाहो तो फिर इनको भी कर सकते हो, या फिर दोनों को चाहो तो दोनों को ट्राई कर सकते हो। बात करें यहाँ से स्टार्टिंग ओवर्स की,
स्टार्टिंग में ऐसे मोहम्मद इकरामुल्ला के साथ जी मुनाविरा, मुनाविरा मीन्स यहाँ से बुद्धि का है, इनका गयन बुद्धि का मुनाविरा नाम है। लेकिन यहाँ से दिक्कत वही है कि फैन कोड में इनका नाम मुनाविरा है और ड्रीम इलेवन में इनका नाम जो है यहाँ से बुद्धि का है, तो वही है यहाँ से देश में डालता है इकरामुल्ला के साथ, शुरुआत भी करता है और देश में भी आता है। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने के लिए। जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। बाकी बात करें हम लोग यहाँ से बहरीन की, जो कि 5 मैच खेली है, जहाँ से 3 मैच वो जीती है, 2 मैच वो हारी है। ओपनिंग में कौन है यहाँ पर? प्रशांत कुरुप और यहाँ पर सरफराज अली दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। अभी इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कुरुप के ऑपोजिट में हमें एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो इनको शायद मैं सजेस्ट ना करूँ, क्योंकि अभी तक ओवरऑल इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं इनका। एक बार यहाँ से 33 रन किए थे। बाकी सरफराज अली एज अ प्लेयर के साथ यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था, लेकिन इसके पहले यहाँ पर 4 विकेट एक बार निकाली हुई है, एक बार यहाँ से 2 विकेट निकाली हुई है, तो भरोसा इनके ऊपर कर सकते हो। इमरान जावेद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पिछली 4 मैच के अंदर विकेट लेस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा कहीं ना कहीं इनके ऊपर है, मैं यहाँ से इनको डिफरेंस लेवल में ट्राई कर सकता हूँ। बाकी सोहेल अहमद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको डेफिनेटली लेके जाना है, भाई बंदा जबरदस्त फॉर्म में और 50 प्लस का स्कोर किया था लास्ट मैच के अंदर, इसके पहले ऐसे 38 32 और 31 जैसे स्कोर किए हुए थे, तो इनको जरूर लेके जाना है। ऐसे हैदर अली बट को हमें लेके जाना है, देखो इनके ना इनके टॉप ऑर्डर में से प्लेयर्स के हमें लेना पड़ेगा, यहाँ से हैदर अली बट को हमें लेके जाना है एज अ प्लेयर, ऐसे इंपॉर्टेंस पिक रहेंगे। अहमद बिन यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, तो देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। बाकी जुनैद अजीज़ की बात करें तो जुनैद अजीज़ वैसे प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन लास्ट मैच के लिए बैटिंग नहीं आई थी, इसके पहले यहाँ से 52 और 29 से 2 बड़े स्कोर किए हुए, इस मैच के अंदर बैटिंग आने की संभावना है, तो आप लोग इनको थोड़ा सा रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा। मोहम्मद रिजवान बट वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए एक अच्छी चॉइस है, लास्ट मैच में भी मैंने सजेशन दिया था और इस मैच के अंदर भी, यहाँ से एक बार फिर से आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाज है, हर एक मैच के अंदर आपको लगभग विकेट लेता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक बार 5 विकेट निकाली, एक बार 3 विकेट निकाली, एक बार 2 विकेट निकाली, तो ज़बरदस्त फॉर्म में भी है, इनको लेके जा सकते हो। वसीक मोहम्मद अगर कोई चॉइस ना मिले अच्छी, तो ऐसे इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी 2 बड़े कारनामे जरूर किए हुए हैं। इमरान खान थोड़े से रिस्की टाइप के प्लेयर है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जीशान अब्बास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, ऐसे हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवाएंगे, वैसे इससे पहले इनके 6 मैच के अंदर 6 विकेट थे, लास्ट मैच की बात करो 3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, जहाँ पर 1 विकेट निकाला था। तो देखो बॉलिंग सेक्शन में आज आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं दोनों टीम की तरफ से, तो कन्फ्यूजन तो आपको रहेगा जबरदस्त, तो फिर भी देख लेते। अभी इसके पहले यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान बट के साथ यहाँ से इमरान खान स्टार्ट करवा रहे हैं, और डेथ ओवर्स में से सरफराज अली के साथ यहाँ से मोहम्मद रिजवान बट डेथ में आ रहा है। बेंच में से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो उनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, कौन से प्लेयर को मिल गया ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर लियान आगे को मैंने लिया है, यहाँ पर आप लोग नशीर या फिर कुरुप दोनों में से किसी को ले सकते हैं, या फिर दोनों को भी ले सकते हैं, ऐसे रिजलन भी अच्छी चॉइस है। देखो 4 विकेट कीपर तो हम लोग लेके जा नहीं सकते, चारों प्लेयर अच्छे हैं, हालांकि यहाँ पर कुरुप इतने कुछ खास फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऐसे नशीर जबरदस्त फॉर्म में, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे सरफराज अली के साथ ऐसे हैदर अली बट और यहाँ पर एस अहमद, यहाँ पर सोहेल अहमद हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी ऑप्शंस की बात करो तो ना कोई खास ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ से कुछ रिस्क लेना चाहो तो ऐसे डी पटेल वगैरह के ऊपर रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे इमरान जावेद अनवर, इनके साथ ऐसे जी बुद्धि का, और यहाँ पर मोहम्मद तनवीर है क्या नाम इनका, हाँ मोहम्मद तनवीर रहेंगे। बाकी यहाँ से कामरान खान ओपनिंग करवा रहे, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जे अजीज यहाँ से बैटिंग बॉलिंग करवा सकते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से मोहम्मद नदीम के साथ यहाँ से मोहम्मद रिजवान बट, इनके साथ यहाँ से मोहम्मद इकरामुल्ला के साथ यहाँ से वी विटिल हमारी टीम के अंदर रहेंगे, ऐसे वालिद विटिल। बाकी आप लोग यहाँ से डब्ल्यू अहमद, जेड अब्बास या फिर यहाँ से ए बिन नशीर, इन तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, किन की जगह पर, तो विटिल की जगह पर। बाकी टीम की बात करो तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कैप्टन रहेंगे हमारे यहाँ से तनवीर और वाइस कैप्टन यहाँ से सरफराज अली रहने वाले हैं। अदरवाइज चॉइस की बात करो तो चॉइस यहाँ पर मोहम्मद नदीम एक अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर लियान आगे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, सोहेल अहमद एक अच्छी पिक है, तो इन सारे प्लेयर्स को आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ऐसे रिजवान बट कैसे रहेगा, यहाँ से रिजवान बट के ऊपर भरोसा पूरा कर सकते हो। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी,
याद रहे कि जो टीम है डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करता, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।